हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा परवल। इसके लिए हमने 500 ग्राम परवल लिए हैं, एक चम्मच शाही जीरा लिया है, एक पिंच हींग लेंगे, दो साबुत लाल मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, चार पांच लहसुन की कलियां कटी हुई, दो टमाटर कटे हुए, एक प्याज कटी हुई, एक चम्मच अमचूर, एक चम्मच कलौंजी, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सौंफ पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक नींबू, आधी कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम परवल को काट लेते हैं, इधर से कट करेंगे इस तरह से, और इसको नीचे से ज्वाइंट रखेंगे, ऊपर से इस तरह से कट कर लेंगे इस तरह से, और कोई भी फोर्क लेंगे या स्पून लेंगे उससे इस तरह से सारे इसके सीड निकाल देंगे। सभी परवल को हम इसी तरह से करेंगे और इन सीड को हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें पीस लेंगे, पीस के ग्रेवी में डालेंगे, ऊपर से इस तरह से कट करेंगे। सारे बीज इसके निकाल देंगे। हमने सब परवल को काट लिया है, इसके बीज निकाल लिए, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। पैन में मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। पैन में हमने एक चम्मच तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अदरक, लहसुन, हींग, जीरा और ये लाल मिर्च सबको डालकर भून लेते हैं। प्याज, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे एक से दो मिनट। टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं, सभी मसाले हमारे पीसने के लिए तैयार हो चुके हैं। गैस बंद कर देते हैं और इसको ये पीस चुका है। इसमें ही हम जो हमने परवल के बीज निकाले थे उनको भी इसमें ही डाल देंगे, उन्हें भी पीस लेंगे। ये अच्छे से पीस चुका है, इसको निकाल लेते हैं। पैन में मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया है, इसमें जीरा, हरी मिर्च, कलौंजी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सभी को भून लें अच्छे से। अमचूर पाउडर एक चम्मच,
अभी जो हमने ये ग्रेवी पीसी है इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसमें नींबू डालेंगे, नींबू का रस। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हमारी स्टफिंग बन करके तैयार है, इसे ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम स्टफिंग भरेंगे परवल में। एक बाउल में निकाल लेते हैं इसको। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है, इसको परवल में भर लेते हैं। इस तरह से खोलेंगे, एक चम्मच स्टफिंग लेंगे और उसमें इस तरह से डाल देंगे। सभी परवल को इसी तरह से भर लेंगे। इस तरह से सभी को भर लेंगे। सारे परवल हमने भर लिए हैं। अभी हम इसमें उसको कुकर में पकाएंगे। कुकर में मैंने आधा चम्मच तेल डाल दिया है, इसमें इनको थोड़ा सा भून लेते हैं पहले। इनको 1 मिनट भून लेते हैं। ये भून चुके हैं। अभी ये जो मसाला है इसका बचा हुआ स्टफिंग का, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी मसाले में, 1 कप पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला देंगे इसको, परमल के ऊपर से डाल देंगे सभी जगह। इसको 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। 2 सीटी आ चुकी हैं, हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे। हमारे भरवा परवल बन करके तैयार है। आप इन्हें ट्राई कीजिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।